So, स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टेम बाबा में हम चैप्टर पढ़ रहे थे पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड हमने फाइव टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक पे हम जो है क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में सेकेंड टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेज आज हम इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने वाले हैं तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो पहला क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि अ मास इज अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग तो एक वर्टिकल स्प्रिंग है हमारे पास एंड इसके बॉटम पे एक मास m हमने अटैच कर दिया है एंड जब ये अटैच हुआ दिस मास uh, के कारण जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो गई सो सपोज ये मास यहाँ से लेके यहाँ तक uh, आ गया दिस इज द फाइनल पोजीशन फॉर द मास एंड जो स्प्रिंग है ये भी स्ट्रेच होगी जिसके कारण ये कुछ ऐसे नजर आएगी ठीक है इसको मैंने डिफरेंट कलर से दिखा दिया तो स्ट्रेच हो गई है तो दो पार्ट है इस क्वेश्चन के हमें बताना है ए पार्ट में कि डज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इंक्रीज डिक्रीज और स्ट्रेज द सेम ड्यूरिंग द प्रोसेस देखो ये तो इसकी पोजिशन थी यहाँ पे हम x इक्वल्स टू जीरो ले ले लेते हैं। और ये स्ट्रेच हुई तो देखो पोटेंशियल एनर्जी तो हमें पता है इंक्रीज होगी स्प्रिंग की हाफ के एक्स स्क्र होती है अगर ये x की वैल्यू बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी तो एक का जो आंसर है दैट इट विल गोइंग टू इंक्रीज जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की दिस विल गोइंग टू इंक्रीज नाउ बी पार्ट में देखते हैं बी पार्ट में कह रहे हैं कि डज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ मास सिस्टम इंक्रीज डिक्रीज और सी द सेम तो देखो अर्थ मास सिस्टम मतलब ये मास ब्लॉक एम की बात कर रहे हैं तो अब ये जब नीचे आया तो ये रेफरेंस से नीचे चला गया नेगेटिव हाइट की तरफ पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई होगी तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द अर्थ मास सिस्टम दैट विल गोइंग टू डिक्रीज अगर मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है दिस इज इंक्रीज बिकॉज कि जो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी ब्लॉक की ये डिक्रीज हो गई मतलब ये एनर्जी जो है ये बेसिकली इसमें कन्वर्ट हो गई है ये डिक्रीज हुई और ये इंक्रीज हो गई तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नाउ ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे क्या और एट्टी टू के जी स्का है जिसका मास है एट्टी टू के जी ये माउंटेन पे क्लाइम कर रहा है दैट हैज लेंथ हमें दे रखी है टू नाइन फाइव जीरो मीटर बेसिकली ये मैं फिगर से दिखाता हूँ हो क्या रहा है ये अपने पास माउंटेन है ये जो लेंथ है ये हमें दे रखी है दिस थिंग एंड जो ये स्लोप है विद द हॉरिजोटल दिस स्लोप इज थर्टीन पॉइंट वन मीटर सॉरी डिग्री नाउ हमें ये बताना है कि व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सो मैं यहां पे रेफरेंस ले, ले लेता हूँ दिस इज द पॉजिटिव एक्स दिस इज द पॉजिटिव वाई यहाँ से हम हाइट मेजर करना स्टार्ट करेंगे दिस इनिशियल पॉइंट एंड दिस सपोज दिस इज़ द फाइनल पॉइंट तो अगर मैं हाइट देखूँ कि कितनी हाइट इसने गेन की है दिस हाइट एच ये कितनी हो जाएगी एल को साइन सॉरी साइन थीटा हो जाएगा बोलो यार ये लेंथ एल है तो ये एल साइन थीटा एच हो जाएगा एल है टू नाइन टू नाइन फाइव ज़ीरो मीटर और साइन थीटा है हमारे पास थर्टीन पॉइंट वन डिग्रीज तो ये हो जाएगा एच की वैल्यू नियर अबाउट सिक्स सिक्स नाइन मीटर तो देखो अगर हमें चेंज इन एन, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है चेंज हमेशा डिफाइन होता है फाइनल माइनस इनिशियल इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कोई भी चेंज करो चेंज इन काइनेटिक चेंज इन पोटेंशियल कुछ भी तो फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं हमेशा तो आ, फाइनल पॉइंट ये है तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बोलो यार यहां पे इस पॉइंट पे तो ये हो जाएगा एम और यहां पे तो रेफरेंस ही है तो ये जीरो हो गया बोलो यार अच्छा मास हमें दे रखा है एट्टी टू के जी जी तो होता ही है स्टैंडर्ड नाइन पॉइंट एट वन एच की जो वैल्यू है ये है टू नाइन फाइव जीरो से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यू गेट दिस वैल्यू बी टाइम्स द पावर थ्री जूल तो ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्कायर अर्थ सिस्टम खाली ये स्कायर की पोटेंशियल नहीं है स्कायर अर्थ सिस्टम जरूरी है तो ये था इस क्वेश्चन का अब मूव ऑन करते हैं next question पे पे so ये है next question and यहां पे रहे हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए ऑन दिंग एंड इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल स्प्रिंग तो हमने कुछ फोर्स एफ लगाई एट द टिप ऑफ दिस तो हुआ कि ये डिफ्लेक्ट कर गई कितना 4.8 पॉइंट mm. और हमने फोर्स कितनी लगाई थी फोर्स हमने लगाई थी 3.0 पॉइंट मिली न्यूटन मतलब थ्री टाइम्स टेन टू दावर माइनस थ्री न्यूटन इतनी फोर्स हमने लगाई जिसके कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुए इस विंग के वो हमें दे रखा है 4.8 पॉइंट mm. एट अब यहां पे तीन पार्ट्स है जो हमें सॉल्व करने हैं इन द ए पार्ट वी टू फाइंड डेट द फोर्स कॉन्सेंट ऑफ द विंग और हमें ये विंग को एज एन आइडियल स्प्रिंग मान सकते हैं तो हमें पता है कि स्प्रिंग के केस में फोर्स क्या होता है के टाइम्स एक्स और यहां से हम इजिली के ले जाएंगे सो के इज एफ ओवर एक्स एफ हमारे पास थ्री टाइम्स टेन टू पावर माइनस थ्री न्यूटन और ये एम में दे रखा है तो इसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे सो फोर पॉइंट एट टाइम्स टेन टू द पावर माइनस थ्री मीटर तो यहां से जो है ये मीटर और मीटर कट जाएगा एंड यहां से हमारे पास जो के के वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी जीरो पॉइंट सिक्स थ्री न्यूटन पर मीटर तो ये आंसर ए पार्ट करना मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे बी पार्ट पे वहां पे हमें बताना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन विंग व्हेन इट इज डिफ्लेक्टेड सो एनर्जी जो स्टोर होगी कौन सी एनर्जी होगी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने कई बार पढ़ा है जो कि होता है हाफ के एक्स स्क्वायर के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं एक्स हमें मालूम है तो हम पुट करेंगे हाँ एक चीज ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जो है हम मीटर uh, में पुट करेंगे mm में नहीं तो अपपुट करोगे गेट दिस वैल्यू टू बी सेवन पॉइंट टू टाइम्स टेन टू दावर या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेवन पॉइंट टू करेक्ट तो यह करना, करते हैं सी पार्ट कह रहे हैं कि अगर एनर्जी को डबल कर दें तो कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो एक काम करते हैं अगर अगर हम एनर्जी डबल करते हैं तो पहले एक्स की ओर निकाल लेते हैं कि कितना डिफेक्ट हुई होगी x को अगर हमें रीअरेंज करूँ यहां से टर्म्स को तो x दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायरूट टू यू डिवाइड बाई के बोलो यार तो यहाँ से कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट टू अच्छा इसको जो एनर्जी को हम ट्वाइस कर रहे हैं इसका मतलब टू टाइम्स यू ले रहे हैं तो टू टाइम्स यू हमारे पास जो इनिशियल जो वैल्यू दे रखी थी यू की मतलब जो निकल के आई थी हमारे पास वो थी सेवन पॉइंट टू इतना तो सेवन पॉइंट टू टाइम्स टेन टू द पावर माइनस सिक्स यूल आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मैंने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई क्यों किया फोर्स कि निकालनी पड़ेगी तो मैंने जो एक्सप्रेशन था उसमें से दिया निकाल चुके हैं दैट इज जीरो पॉइंट सिक्स थ्री तो यहां से आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी नियर अबाउट सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन सॉरी 6.76 times 10 to टाइम्स power टू द पावर माइनस थ्री मीटर करेक्ट तो अब हम निकाल लेते हैं फोर्स फोर्स तो पता ही के टाइम्स सिक्स होता है तो के हमारे पास है जीरो पॉइंट दिस इज सिक्स थ्री मल्टीप्लाइड विद सिक्स पॉइंट सेवन सिक्स टाइम्स टेन टू द पावर माइनस थ्री तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर टू न्यूटन और अगर आप इसको मिलीन्यूटन में लिखना चाहते हो तो विल गेट दिस वैल्यू टू तो बी 4.2 पॉइंट टू मिली नुटन. बोलो यार तो ये हो गया आंसर सी पार्ट का अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे बोल रहे हैं कि अ वर्टिकल स्प्रिंग स्टोर दिस मच 0.962 जूल्स इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी व्हेन 3.5 केजी मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट तो इसको मैं एक इमेज एक से शो कर देता हूँ कि एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे पास ये एक स्प्रिंग थी इनिशियली एक ये अपने क्लिव लेंथ पे है हमने क्या किया मास एम इसके ऊपर हैंग कर गया, इस पर अटका दिया इसे जिसके कारण ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच हो गई एंड ये स्प्रिंग स्ट्रेच होकर यहाँ पे आ गई इसके कारण इसके कुछ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई होगी वो इंक्रीज कितनी हुई इतनी 0.962 ओके okay. अब बी पार्ट में कह रहे हैं कि अगर अगर मास को डबल कर दें इफ द मास अटैच टू द स्प्रिंग डबल्ड बाय व्हाट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर डज द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तो अगर मैं इस मास को 2m कर दूं, तो जो स्प्रिंग की पोटेंशियल इंक्रीज जो मुल्ट, कितने मल्टीपल फैक्टर से इंक्रीज हुई होगी यह हमें बताना है तो सबसे पहली बात तो आपको इफेक्ट देखना पड़ेगा कि अगर ये इंक्रीज कर रहा हूं मैं मास को टू टाइम्स कर रहा हूं तो इससे चेंजेस क्या आने वाले हैं अगर मैं बेसिक एक्सप्रेशन देखूं फॉर द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी दिस इज यू इक्वल्स टू वन ओवर टू के बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी व्हेन व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस चैप्टर करेक्ट अब देखो के तो कॉन्सेंट है क्योंकि स्प्रिंग तो वही है बट अब अगर मास को मैं डबल करता हूं तो एक्स में क्या चेंज आएगा मतलब ये स्ट्रेच क्या ज्यादा होगा ज्यादा होगा तो कितना ज्यादा होगा ये हमें समझने की कोशिश करते हैं तो देखो यहां पे हमें पता है कि जो स्प्रिंग uh, फोर्स होती है दिस इज टाइम्स होता है और यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है एम तो लग रहा है यहाँ पे नीचे बोलो फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ अभी फिलहाल में तो एम जी इज इक्वल्स टू के टाइम्स एक्स वन ले लू तो यहां से एक्स वन क्या आ जाएगा एम जी ओवर के अब अगर मैं इसको मास को डबल कर दूं तो स्ट्रेच कितना हो जाएगा x2 टू एंड दैट विल बी टू एम जी ओवर के मतलब पहले से दुगना हो गया मास को डबल करने से जो स्ट्रेच है वो हो जाएगा दुगना तो मतलब जितना ये जितना ये था इतना और ये स्ट्रेच हो जाएगा यहां पे आ जाएगा फिर यहां पे कुछ मास m होगा बोलो यार चीजें क्लियर हुई अगर मास को मैं डबल करता हूं तो क्या इफेक्ट आने वाला है तो अगर मास को डबल करता हूँ तो ये जो है ये टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो ये जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितना हो जाएगा वन ओवर टू के टाइम्स टू एक्स का तो वन ओवर टू के एक्स ये टू कितना हो जाएगा फोर तो पहले से कितना इंक्रीज हो गई ये फोर टाइम्स इंक्रीज हो गई तो मैं बोल सकता हूं कि द पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ फोर when we double the mass. Next time मैं verify करके दिखाने कि uh, we have to verify the part A by calculating the spring potential energy when the mass is 7.0 kg. to dekho yaar चीजें तो वही हैं कि B part के लिए कि U2 मतलब ये जो लगा लो second case में divide by first case से कितना हो गया four times था ये ratio इनका four times था तो यहां से U2 कितना आ जाएगा फोर टाइम्स U1 हमें कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 0.962 तो दैट विल तो बी इक्वल्स टू 3.85 पॉइंट एट फाइव आपने एक चीज पता नहीं नोटिस की कि नहीं की कि जो ये स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी है ये फोर टाइम्स इंक्रीज हो गई ओके जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई फॉर दिस मास वो कितना होगा सेकेंड केस में देखो फर्स्ट केस में क्या था ये एक्स नीचे आया था मास कुछ एक्स नीचे आया था बोलो यार तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना था एम जी एच और एच इस केस में क्या था एक्स तो एम जी एक्स में लिख सकता हूं करेक्ट और सेकंड केस में क्या हुआ जो ये स्ट्रेच हुआ ये टू टाइम्स एक्स हुआ स्ट्रेच टू टाइम्स एक्स हुआ ना तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मास भी डबल हो गया तो टू एम पोटेंशियल एनर्जी फॉर द मास अर्थ सिस्टम देखूं तो वो भी फोर टाइम्स इंक्रीज हुआ है तो जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको है बाकी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था बट मैंने जस्ट एक एक्सटेंडेड पार्ट बताया इस क्वेश्चन का कि हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं तो आई होप की आपको शायद चीजें समझ में आ रही होंगी कैसे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं या फिर इन uh, का uh, जो पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग का का इन सब यूज करते हैं तो कुछ एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं एंड एंड देन आई विल दिस वीडियो सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहां पे क्या रहे हैं कि द वर्क रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच अ सर्टेन स्प्रिंग फ्रॉम एन एलोंगेशन ऑफ फोर सेंटीमीटर टू एन एलोंगेशन ऑफ फाइव सेंटीमीटर इज दिस मच मतलब कि अपने पास कोई स्प्रिंग है ये स्टार्टिंग में ही कुछ स्ट्रेच uh, थी मान लो यहां पे कुछ इक्म पोजिशन थी मतलब कि यहां पे स्ट्रेच कंडीशन नहीं है मतलब एक्स इक्वल टू फोर पे है इतनी स्ट्रेच हो रखी है अब अगर हम यहां से कुछ और स्ट्रेच कर देते हैं अपटू एक्स इक्वल्स टू फाइव तो जितनी एनर्जी हमें लगी इसको स्ट्रेच uh, करने में वो या बेसिकली जितना वर्क हमने उसके ऊपर किया वो हमें दे रखा है दैट इज इक्वल्स टू 30.5 पॉइंट इतना एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है इतना वर्क टू रिक्वायर्ड है टू इंक्रीज दिस मच ऑफ लेंथ अच्छा अब अगर अगर हम पांच से और ज्यादा इंक्रीज करते हैं अप टू सिक्स सेंटीमीटर तब हमें कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा वो हमें निकालना है क्या वो इतना ही होगा या उससे ज्यादा होगा कम होगा ये चीज हमें बतानी है और उसको हमें वेरीफाई भी करना है ओके okay. तो सबसे पहले समझते हैं कि जो वर्क रिक्वायर्ड होता है दिस इज वॉट दैट विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन इन केस ऑफ स्प्रिंग बोलो यार बोले समझ नहीं आया ये नेगेटिव स्प्रिंग क्या हो रहा है देखो एक्चुअल में क्या थी जब हम हम जब हमने स्लो पढ़ा था उस वक्त हमने इन डिटेल चीज डिस्कस की थी कि जब हम स्प्रिंग के ऊपर कुछ फोर्स एफ ये लगाते हैं तो उसी टाइम स्प्रिंग भी कुछ बैकवर्ड में फोर्स लगाती एफ करेक्ट अब जब ये स्ट्रेच होता है तो जो वर्क जो हम करते हैं इसके ऊपर दैट वुड बी पॉजिटिव ऑलवेज जब हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दैट दैट बी बी पॉजिटिव बट जो वर्क स्प्रिंग स्प्रिंग कर रही है, तो रही है है वुड नेगेटिव क्योंकि फोर्स फोर्स तो इस तरफ लगा और डिस्प्लेसमेंट जो स्प्रिंग का जो स्ट्रेच है वो इस तरफ हो रहा है तो वो नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब जो वर्क रिक्वायर्ड है दिस इज नेगेटिव ऑफ वर्क फॉर स्प्रिंग बोलो यार और ये चीज हमने अभी पढ़ी थी कि जो ये वर्क ऑफ स्प्रिंग बेसिकली क्या कंजर्वेटिव वर्क है एंड दिस इज वॉट द चेंज इन नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ये इसी चैप्टर में हमने हमने पढ़ा है ये चीज कि वर्क फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स दिस इज द नेगेटिव ऑफ चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी तो माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है तो चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है और नेगेटिव है ऑलरेडी तो मैं इसको मैं इनिशियल माइनस फाइनल लिख सकता हूं एंड बाहर एक नेगेटिव और है तो फाइनली हमारे पास आ गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो फर्स्ट केस की अगर मैं बात करूं जब हम फोर से फाइव तक जब हम इसको स्ट्रेच कर रहे हैं उस केस की बात करूं मतलब ये इनिशियल पॉइंट हो गया ये फाइनल पॉइंट हो गया तो डब्ल्यू रिक्वायर्ड दैट वुड बी इक्वल्स टू यू एफ माइनस यू आई मतलब ये इसको मैं लिख सकता हूँ यू फाइव मतलब फाइव जब था फाइव सेंटीमीटर माइनस जब वो फोर सेंटीमीटर था तो जब फाइव सेंटीमीटर पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी हाफ की स्क्वायर हाफ के एक्स कितना लेना एक्स फाइव मतलब फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फोर यार अगर मैं यहां से हाफ के कॉमन ले लू एक्स फाइव मतलब फाइव सेंटीमीटर फाइव सेंटीमीटर को मीटर में हमें लेना पड़ेगा तो जीरो पॉइंट जीरो मीटर और इसका स्क्वायर माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर मीटर और इसका स्क्वायर तो ये बराबर हो जाएगा किसके वर्क रिक्वायर्ड जो कि हमें दे रखा है क्वेश्चन में थर्टी पॉइंट फाइव जूल्स तो so, यहां से क्या मैं के की वैल्यू इजिली निकाल ले जाऊंगा बिल्कुल निकाल ले जाऊंगा यहां से के के वैल्यू आ जाएगी सिक्स पॉइंट सेवन एट्स टेन टू द पावर फोर न्यूटन पर मीटर अब मैं निकालता हूं सेकेंड केस में जब हम स्प्रिंग uh, को स्ट्रेच कर रहे हैं फ्रॉम फाइव सेंटीमीटर टू सिक्स सेंटीमीटर तो इस केस में जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी दैट वुड बी यू सिक्स माइनस यू फाइव मतलब फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं तो वन ओवर के तो वही हो जाएगा एक्स सिक्स माइनस एक्स फाइव और स्क्वायर लगाना मैं भूल गया नाउ इट्स करेक्ट अब के वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं सो दैट इज इक्वल्स टू कितना है सिक्स पॉइंट सेवन टाइम्स टेन टू द पावर फोर डिवाइड बाई टू एंड एक्स सिक्स मतलब ये जीरो पॉइंट जीरो सिक्स हमें लेना पड़ेगा क्योंकि मीटर में लेना है और ये 0.05 और इसका स्क्वायर अब अगर आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी नियरली 37.3 जूल्स तो अगर आप कंपेयर करो कि जब आप चार से पांच सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हो तब हमें दे रखा था 30.5 बट अगर हम 5 टू 6 स्ट्रेच करेंगे तो हमें कितना दे रखा है मतलब कितना मिला है हमें थर्टी सेवन पॉइंट थ्री मतलब एनर्जी बढ़ गई है भले ही आपने वन से, वन सेंटीमीटर स्ट्रेच किया हो दोनों ही केस में बट सेकेंड वाले केस में आपको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा वर्क उस पर ऊपर करना पड़ेगा उसको स्ट्रेच करने के लिए अब अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँ थोड़ा और ईजी अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा इस ग्राफ से एक्चुअली हो क्या रहा है तो यहाँ है पोटेंशियल एनर्जी यू और यहाँ पे एक्स मतलब जितना हमने स्ट्रेच किया उसके हिसाब से

फोर और बीच में कहीं होगा x इक्वल्स टू फाइव करेक्ट तो जब x इक्वल तो ये एनर्जी हो गई फोर वाली पोजीशन पे और ये वाली हो गई तो अब अगर आप चेंज देखोगे ये देख रहे हो ये कम है और ये ज्यादा है तो मतलब एक सेंटीमीटर दोनों केस में आपने सेंटीमीटर तो मतलब फोर से फाइव गए फाइव से फाइव से सिक्स गए हो. जो आपने स्ट्रेच किया वो तो सेम है बट तो जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ गई है आई so, होप कि इस ग्राफ से आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसका मास हमें दिया हुआ जीरो अब हमें यह बताने की इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा है मतलब तो यहां से जब यहाँ पे मूव कर रहा है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है फाइनल माइनस इनिशियल मतलब यू बी माइनस यू ए ये मतलब होता है इसका चेंज जब भी हमें निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं ओके okay, तो हमें हमें पहले बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कितने हाइट ये नीचे आया है तो अगर मुझे ये हाइट एच निकालनी हो तो टोटल तो, तो हमें दे रखा है वन पॉइंट टू अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूँ तो मैं निकाल लूंगा एच एच so, कितना होगा 1.2 ये टोटल है माइनस ये वाली हाइट कितनी होगी 1.2 पॉइंट टू को साइन बोलो यार यहां से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो पॉइंट मीटर मतलब बॉब इतना नीचे आया है। तो अगर मैं रेफरेंस आप लेने को रेफरेंस कहीं भी ले सकते हो मैं यहां पे रेफरेंस ले रहा हूं तो यहां पे एक्स ये एक्स एक्सेस है यहां वाई तो इधर से ये पॉजिटिव पॉजिटिव है इधर अच्छा, आप नीचे आए तो हो नेगेटिव की तरफ यू ए ये है, वो तो, रेफरेंस पे है, तो, मतलब तो जीरो हो जाएगा, और यू भी कितना हो जाएगा? -Y. बोलो यार मास हमें बॉब का दे रखा है जी तो होता है स्टैंडर्ड और वाई हमें जो रखा है नेगेटिव नेगेटिव मतलब निकाला है हमने मीटर से आप सिंप्लीफाई करोगे तो डेल्टा यू जूल्स और ये सही भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम हुई होगी तो ये था आंसर इस पार्ट इस क्वेश्चन का एंड इसी के साथ हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू द पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेज नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट वुड बी बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो इस वीडियो में इतना ही विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो गुड बाय